दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट कर सकते हैं एम इन्वेस्ट ऐप के ज़रिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एम इन्वेस्ट ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप अपना एम पिन वगैरह डालकर रजिस्टर कर लें, ठीक है। तो 4 डिजिट का जो पिन होता है डाल लें, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद चूज योर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, सो किस तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चूज़ करना है कि मंथली या फिर वन टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो वो भी आप चूज़ कर लें, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट आप चूज़ कर लें। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ डाला हुआ है, सो 50 रुपीज़ भी डाल सकते हैं, अप टू आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पोटेंशियल वैल्यू ऑफ अमाउंट दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको चूज़ करना है चेंज इक्विटी टू डेब्ट रेशियो सूटेबल एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से इक्विटी टू डेब्ट रेशियो चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐप जो है कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि आपका जो योर पर्सनल पोर्टफोलियो, सॉरी, ऐप जो है कैलकुलेट करेगा और आपका पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा, बनाएगा, ठीक है। उसके बाद टैप ऑन एनी ऑफ द फंड नेम टू नो मोर, तो किसी भी एक पर, कोई भी एक फंड पर आपको चूज़ कर लेना है और फिर टैप ऑन नो मोर पर क्लिक कर लेना है। यू कैन चेक द डिटेल एंड टैप ऑन बैक, ठीक है। तो डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ से, टैप ऑन इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट पर क्लिक कर ले नीचे जो दिख रहा है, और फिर कंफर्म इन्वेस्टमेंट्स को कंफर्म कर लें अपना, दैट्स इट, और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।